श्री मुक्तसर साहिब में एक प्रवासी मजदूर द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद आरोपी घर से फरार बताया जा रहा है। जानकारी मुताबिक श्री मुक्तसर साहिब की अनाज मंडी के पीछे झुगी झोपड़ी में रह रहे पति पत्नी के झगड़े में पति ने गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मृतका पूनम के बेटे सूरज ने सुबह 4 बजे अपने पड़ोस में रहते रिश्ते में लगते नाना के पास जाकर बताया कि उसके पिता ने उसकी मम्मी को गला घोंटकर मार दिया और घर में पड़े पैसे लेकर भाग गया, जिसके बाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति का अपनी भाभी से कथित नाजायज संबंध थे, जिस कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी गई। मम्मी के साथ में पापा पहले गाड़ी बेचता था, बेच के चला गया था घर, तब लड़ाई हुआ, तब गाड़ी बेचा, तब यहाँ आया, फिर चले गया, फिर आया, मेरा हाथ टूटा था, तब ये घटना हुआ। ओ यार, खटिया पर सूता था, मैं सूत गया था, ये दोनों मम्मी पापा ऐसे करा, कपड़ा और गमछा नहीं रहता, उससे बांध दिया गर्दन, पापा वो गला में वो कपड़ा बांध कर मार कर सारा पैसा ने लेकर भाग गया। पहले वो लड़ता था, अब नहीं लड़ा था, जे पहले से आया था, अभी अब मार को भाग गया। वो रह रहा था यहाँ बच्चा पूनम देवी, 15-20 साल से रह रहा था बाल बच्चे लेके, पहले भी दोनों जी रह रहा था बाल बच्चे के साथ, दो साल के बाद लड़ाई हो गया, इसका घरवाला चला गया पूनम देवी का पिंड, चंगेली मिर्जापुर है जी, उसका घरवाला रहता था पूनम का, ये सुल्तानगंज रहता था, भागलपुर जिले में पड़ता, बाबा बोसकीनाथ देवघर के एरिया में, बिहार का रहने वाला था जी। ये बच्चे हमको बताया, जगाया, ये बच्चे ने छोटा सा, इसका मम्मी जो मरा ना, ये पेशाब करने के लिए उठा, मम्मी को ऐसे जगाया, मम्मी नहीं जागा तो मेरे पास आया, कहता नाना जी नानी जी, जब मम्मी को मार के पापा भाग गया। हाँ, इसका एक भाभी है, इसके पीछे इसने अपनी घरवाली को मारा है। हाँ, भाभी के चक्कर में लड़ता था। तीन है जी, दो भाई है, एक लड़की है जी, लड़की के एज है यही कम से कम 14 साल की उम्र है, एक रहता है, यही बच्चा था ये। हाँ, ये सबसे छोटा ही है। मांग करता हूँ यही कि सजा मिलना चाहिए लड़के को, कुछ नहीं उसको, कम से कम सजा उम्र कैद की होनी चाहिए जी। सानू ना कंट्रोल रूम तक कॉल मसूल हुई सी, कहिंदे वी एक झुग्गियां दे विच कोई लेडी दी डेड बॉडी पई आ, ते मौके ते पहुँच के डेड बॉडी नू लै लै कब्जे च, ते डेड बॉडी मोर्चे च रखवा दित्ती आ, ते अगली कार्रवाई अमल विच लैंदी जा रही आ। ये पूनम देवी है जी, वाइफ ऑफ विनोद कुमार, ते जिला बांका बिहार दी रहण वाली आ, इत्थे काफ़ी टाइम हो गया रहिंदे नू, ते इन्हां नू हैगा वी इहदे घर वाले ने कतल कीता, इहदा कारण दा आपस में कोई पहले रंजिश है इन्हां दी, कतल तो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद पता लगू किदां कतल होया जी, शक तो इहदे घर वाले तो शक कर रहे सारे, लड़ाई के कारण तो जी जिथों पता लगे थोड़ा बहुत भी ये जरा घर वाले से अपने शायद भरजाई नाल जायज संबंध से, जिदे कारण ये घर के कलेश रहा।